आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और हम लोग स्कॉलरशिप डेट बढ़ने के लेकर बात करेंगे कि स्कॉलरशिप की डेट कब बढ़ेगी। काफ़ी स्टूडेंट चिंतित है जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि यूपी स्कॉलरशिप की डेट आगे कब बढ़ेगी और स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरा जाएगा। मैं समाज कल्याण विभाग गया था और वहाँ से मैंने पता लगाया है कि यूपी स्कॉलरशिप की डेट आगे कब बढ़ेगी। समाज कल्याण विभाग से बताया गया कि 30 नवंबर के बाद स्कॉलरशिप बढ़ेगी, अर्थात ये हुआ कि आपकी स्कॉलरशिप डेट दिसंबर के प्रथम सप्ताह में बढ़ने की संभावना हो गई है। डेट अभी तक क्यों नहीं बढ़ाई गई है, इसके लिए हम आपको बता दें, जो जानकारी मिला है वो इसलिए नहीं बढ़ाई गई है कि 30 नवंबर को स्कॉलरशिप का मास्टर डेटा विश्वविद्यालय से लॉक होने जा रहा है और समाज कल्याण विभाग से 30 नवंबर को स्कॉलरशिप का डेटा वेरीफाई होगा। जैसा कि हम लोग अभी पिछला देखे थे कि 7 नवंबर को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो जो स्टूडेंट 7 नवंबर तक फॉर्म भर लिए थे और उनका फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है और उनकी पहले जांच चल रही है, वो डेटा 30 तारीख के बाद वेरीफाई होने जा रहा है। इसलिए समाज कल्याण विभाग जो नई डेट बढ़ाने की बातचीत चल रही थी वो इसीलिए नहीं बढ़ाई गई थी, 30 नवंबर के बाद वो डेट समाप्त होने जा रही है। इसका जिक्र आपको लेटर में मैं आगे दिखा दूंगा। समाज कल्याण विभाग से एक लेटर मिला है कि 30 तारीख को सभी स्टूडेंट्स का डाटा लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद ये डेट समाप्त हो जाएगी। जैसे ही ये डेट समाप्त होती है उसके बाद आप लोगों को नए फॉर्म भरने की डेट ओपन कर दी जाएगी। इस यूपी स्कॉलरशिप की डेट जो है आगे बढ़ने वाली है, आप लोग नए सिरे से अपना फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स लास्ट स्टेज में अपना फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए थे, वो लोग भी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म पूरा भर लिया है, प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो आप लोग जब नई डेट ओपन होने जा रही है उसमें अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर कॉलेज में जमा कर सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप की डेट आगे क्यों नहीं बढ़ी थी, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रेषक डॉक्टर रमेश चंद तिवारी, अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक समाज कल्याण, तो सभी जगह भेज दिया गया है। और ये लेटर है, नोटिस है, 24 नवंबर का, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और 30 नवंबर को डेटा लॉक होना है, जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भेज दिया गया है समाज कल्याण, उसको विश्वविद्यालय लॉक करेगा, फिर समाज कल्याण वेरीफाई करेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 30 नवंबर, ये 30 नवंबर को डेट ख़त्म होने जा रही है। इस 30 नवंबर के बाद स्टूडेंट का डेटा समाज कल्याण वेरीफाई करेगा, फिर स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आएगा। और नए स्टूडेंट के लिए 30 तारीख के बाद स्कॉलरशिप की डेट खोली जाएगी, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में खोल दिया जाएगा डेट, नए स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।